दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक दिया दे रहा है दे रहे हैं मतलब इसी सब की सहायता से हजारों वाक्यों का प्रयोग किया है दोस्तों। लेकिन आज हम जो सीखने वाले हैं ना थोड़ा अलग है, मतलब थोड़ा प्रेरणार्थक रूप होगा और उन्हीं शब्दों को सकारात्मक और नकारात्मक रूप में हम किस प्रकार से तेलुगु भाषा में इन शब्दों का उपयोग करते हैं और उन्हीं के माध्यम से हम तेलुगु भाषा में उच्चारण करते हैं वही आज मैं आपको सिखाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरे YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ, दिल के साथ स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए दोस्तों, तभी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे और तेलुगु भी आराम से बोल पाएंगे। लेकिन आप ध्यान से देखने से क्या होगा, जो आखिर में आप लोगों से मैं जो सवाल पूछूंगा उसका जवाब भी आप आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, अपनी वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए सही में हेल्पफुल है तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपके स्क्रीन में आते रहें। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों से पहले कहा कि आज हम जो शब्द सीखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द हैं। हाँ दोस्तों, प्रेरणार्थक रूप में है दोस्तों, मतलब दिलाना, दिलवाना इसी प्रकार। लेकिन उन्हीं शब्दों को हम सकारात्मक और नकारात्मक रूप में भी थोड़ा हम उपयोग करेंगे। जैसे दिलवा, दिलवा इपिंचू, दिलवा इपिंचू, दिलवाओ, दिलवाओ इपिंचू। दोस्तों, ये जो दिलवाओ ये शब्द हम किससे उपयोग करते हैं, जो अपने से छोटे भी हों सम्मान के साथ बात करने के लिए, या हमारे कोई मित्र हो जो नए नए होंगे उन्हें हम भी तुम बोलते वहां पे हम प्रयोग करते हैं। वैसे स्थान पर मतलब वाक्यों के माध्यम में हम दिलवाओ इस शब्द का प्रयोग करते हैं, जिन्हें हम तेलुगु में बोलते हैं इपिंचू। अगर हमसे कोई उम्र में बड़े होंगे, अनजान होंगे, उनसे हमें मतलब कुछ सहायता की आवश्यकता होगी, तब हम बोलते हैं ना दोस्तों दिलवाइए, क्या बोलते हैं, दिलवाइए इपिंचेंडी, दिलवाइए इपिंचेंडी। दोस्तों, दिलवाना इसका वास्तव जो अर्थ होता है इपिंचडम, क्या दोस्तों, इपिंचडम। और दिलाना इसका अर्थ भी इपिंचडम ही होता है, दोनों का अर्थ लगभग समान ही होता है। अगर हम इन्हीं शब्दों को थोड़ा नकारात्मक रूप में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हम बोलेंगे नहीं दिलवाऊंगा, नहीं दिलवाऊंगा इपिंचनू, नहीं दिलवाएंगे, नहीं दिलवाएंगे इपिंचमू, नहीं दिलवाएंगे इपिंचमू। दोस्तों, हम लोगों ने छोटे शब्दों के अर्थ क्या होते हैं वो तो लगभग हम लोगों ने जान ही चुके हैं, अभी हम इन्हीं शब्दों से अब वाक्य बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो चलिए वो वाक्य क्या क्या है उन्हें भी हम सीख लेते हैं। मुझे 100 रुपए दिलवा, मुझे 100 रुपए दिलवा, नाकु 100 रुपायलु इपिंचु, नाकु 100 रुपायलु इपिंचु। अगर हम तुम शब्द का प्रयोग करते हैं इस प्रकार से हम बोल सकते हैं मुझे 100 रुपए दिलवाओ, मुझे 100 रुपए दिलवाओ, नाकु 100 रुपायलु इपिंचु, नाकु 100 रुपायलु इपिंचु। दोस्तों, तुम और तू जिसने भी वाक्य बनते हैं ना दोस्तों लगभग समान ही होते हैं, बिल्कुल अंतर नहीं रहता है। दोस्तों, अगर हमसे उम्र में जो बड़े होते हैं अगर उनका कोई वस्तु को दिलवाना हो तो हम बोल सकते हैं आप दिलवाइए, आप दिलवाइए मेरु इपिंचंडी, मेरु इपिंचंडी। आप मुझे मोबाइल दिलवाइए, आप मुझे मोबाइल दिलवाइए, मेरु नाको मोबाइल इपिंचंडी, मेरु नाकु मोबाइल इपिंचंडी। आप मेरु मुझे नाकु मोबाइल, मोबाइल या मोबाइल दिलवाइए इपिंचंडी, मेरु नाकु मोबाइल इपिंचंडी। अगर उन्हें पसंद नहीं होगा, वो आपको दिलाना नहीं चाहेंगे तो क्या बोलेंगे, मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दिलवाऊंगा, मैं तुम्हें मोबाइल नहीं दिलवाऊंगा
నేను నీకు మొబైల్ ఇప్పించెను నేను నీకు మొబైల్ యా మొబైల్ ఏసే భీ బోల్ సక్తే హై ఇప్పించెను నహీ దిల్వాఉంగా నేను నీకు మొబైల్ ఇప్పించెను తుమ్హే మొబైల్ దిల్వానే సే తుమ్ నహీ పఢోగే తుమ్హే మొబైల్ దిల్వానే సే తుమ్ నహీ పఢోగే నీకు మొబైల్ ఇప్పిస్తే నువ్వు చదవవు నీకు మొబైల్ ఇప్పిస్తే నువ్వు చదవవు తుమ్హే నీకు మొబైల్ దిలానే సే మొబైల్ ఇప్పిస్తే తుమ్ నహీ పఢోగే నువ్వు చదవవు నీకు మొబైల్ ఇప్పిస్తే నువ్వు చదవవు తుమ్హే మొబైల్ దిలానే సే తుమ్ నహీ పఢోగే। दोस्तों यहाँ पे मैंने एक मोबाइल का एक उदाहरण लिया है। दोस्तों वहां पे अगर कोई भी आपको कुछ सामान दिलवा रहा है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, आप उन्हीं शब्द को वहां पे जोड़ना है और दिलाना, जो इप्पिंचडम इस शब्द का भी आप आराम से प्रयोग कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले से अभी तक पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मोहन को गुस्सा आने से वह नहीं दिलाएगा। मोहन को गुस्सा आने से वह नहीं दिलाएगा। मोहन की कोपम वस्ते अतडु इप्पिंचडु। मोहन की कोपम वस्ते अतनु या अतडु इप्पिंचडु। मोहन को, मोहन की गुस्सा आने से, कोपम वस्ते वह नहीं दिलाएगा, अतनु इप्पिंचडु, अतनु इप्पिंचडु। मोहन को गुस्सा आने से वह नहीं दिलाएगा, लेकिन गीता तुम्हें जरूर दिलाएगी, लेकिन गीता तुम्हें जरूर दिलाएगी। कानी गीता नीकु तप्पनिसरिगा इप्पिस्तुंदी। कानी गीता नीकु तप्पनिसरिगा इप्पिस्तुंदी। लेकिन कानी गीता, गीता तुम्हें, नीकु जरूर तप्पनिसरिगा दिलाएगी, इप्पिस्तुंदी। कानी गीत नीकु तप्पनिसरिगा इप्पिस्तुंदी। मुझे कोई कुछ भी नहीं दिलवाता। मुझे कोई कुछ भी नहीं दिलवाता। नाकु एवरु एमी इप्पिंचरु। नाकु एवरु एमी इप्पिंचरु। मुझे, नाकु, कोई, एवरु कुछ भी, एमी नहीं दिलाता, इप्पिंचरु। नाकु एवरु एमी इप्पिंचरु। दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं बिना प्रॉफिट के कुछ दूसरों का हेल्प करना के दूर दोस्तों कुछ करते नहीं हैं। वैसे स्थान पर ऐसे भी कुछ वाक्य होते हैं जैसे तुम्हें दिलाने से मुझे क्या फायदा। तुम्हें दिलाने से मुझे क्या फायदा। नीकु इप्पिस्ते नाकु एम लाभम या एमी लाभम। नीकु इप्पिस्ते नाकु एमी लाभम। तुम्हें दिलाने से नीकु इप्पिस्ते मुझे नाकु क्या लाभ है। एम लाभम निकिप्पिस्ते नाकु एम लाभम। मुझे लाभ होने से ही तुम्हें दिलाऊंगा। मुझे लाभ होने से ही तुम्हें दिलाऊंगा। नाकु लाभम उंटेने नीकु इप्पिस्तानु। नाकु लाभम उंटेने नीकु इप्पिस्तानु। मुझे, नाकु लाभ होने से ही, लाभम उंटेने तुम्हें दिलाऊंगा, नीकु इप्पिस्तानु। नाकु लाभम उंटेने नीकु इप्पिस्तानु। दोस्तों अगर आप बेरोजगार होते हैं, आपको नौकरी की तलाश होती है, तो आप अपने दोस्तों से, जो आपको जान पहचान जो ज्यादा क्लोज होते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं ना कि तुम मुझे एक नौकरी दिलवाओ। तुम मुझे एक नौकरी दिलवाओ। नुव्वु नाकु ओक उद्योगम इप्पिंचु। नुव्वु नाकु ओक उद्योगम इप्पिंचु। तुम मुझे, नुव्वु नाकु एक नौकरी, ओक उद्योगम दिलवाओ या दिलवा दो। इप्पिंचु नुव्वु नाकु ओक उद्योगम इप्पिंचु। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ मेरे सवाल का सही जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में कौन देते हैं। तो आज का मेरा सवाल है, मैं तुम्हें टी शर्ट दिलवाऊंगा। मैं तुम्हें टी शर्ट
दिलवाऊंगा, यही मेरा आज का सवाल है। देखते हैं मेरे कितने व्यूअर्स मेरे इस वीडियो को अच्छी तरह समझे हैं और मेरे सवाल का जवाब सटीक उत्तर किसने दिया है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना है शेयर कीजिएगा, जिसे कमेंट देना है वो भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपकी स्क्रीन में आते रहें। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप सभी को मेरा नमस्कार।